सफाई राम भरोसे। 15 से 20 दिनों के बाद एक दिन होते ही एक वार्ड की सफाई होती है। देश में चलाए जा रहे सफाई अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार प्राप्त करने वाली कुही नगर पंचायत का इन दिनों शहर के साफ सफाई का जरा भी ध्यान नहीं है। पिछले कुछ दिनों से प्रभावित हुई स्वच्छता प्रक्रिया पूरी तरह से लड़खड़ाने से शहर में हर तरफ कचरा और गंदगी का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। इस गंदगी के कारण शहर में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप से लोग परेशान हो गए हैं और यही वजह है कि मात्र कुही शहर में अभी तक डेंगू के मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। स्वच्छता के बारे में समृद्ध होकर देश में स्वच्छता का पुरस्कार पाने वाली कुही नगर पंचायत का नाम चर्चा में आ गया था, परंतु तत्कालीन ठेकेदार और कुछ स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन ठीक तरह से नहीं देते, ऐसी स्थिति में 4,500 से 5,000 देते हुए लेकर विवाद हुए थे, जिसके कारण शहर में नियमित रूप से होने वाली सफाई प्रभावित होकर अब यह कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में पुराना ठेका भी रद्द कर दिया गया। इसके पश्चात नगर पंचायत ने दोबारा निविदा प्रक्रिया निकाली, परंतु इसमें इसलिए सफाई का नया साफ सफाई नहीं होने से शहर के हर सड़क किनारे कचरा और गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। कोरोना के बाद अब जिले में डेंगू का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है। नागपुर जिले में डेंगू के बारे में कुही तहसील सबसे आगे है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार कुही तहसील में सबसे ज्यादा मरीज है। उसमें से अकेले कुही शहर में ही मलेरिया डेंगू के मरीज पाए गए हैं। विशेष यानी इन मरीजों की संख्या केवल शासकीय अस्पताल में उपचार ले रहे मरीजों की है। इसमें निजी अस्पतालों में जांच करने और उपचार लेने वाले मरीजों को समावेश नहीं है। शहर के अधिकांश निजी अस्पतालों में बड़े पैमाने में डेंगू मलेरिया जैसे की मरीज पाए जाने की प्राथमिक जानकारी है। शहर में रोजाना कम साफ सफाई नहीं होती, 15 दिन के बाद एक बार एक वार्ड में आते हैं, वो भी बराबर साफ सफाई नहीं होती। ऐसे में नगर पंचायत द्वारा शहर की साफ सफाई पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है और महालक्ष्मी इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की छानबीन करके जो करारनामा करके दिया उसमें से एक भी शर्त नहीं निभा रहे, सभी शर्त का भंग किया है। कुही वासी मांग कर रहे हैं कि तत्काल इस बारे में कार्रवाई करके लिस्ट यादी में समावेश करने की मांग कुही वासी कर रहे हैं। नगर पंचायत कुही घन कचरा व्यवस्थापन साठी झालेला जो टेंडर आहे त्या टेंडरच्या अनुसार कोणते काम होणार आहे आणि कोणते नाही होणार आहे त्याचं काहीही कोणाला माहिती नाही आहे। प्रत्येक वार्डामध्ये जाऊन पाहिलं तर घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे। कुठेही जर वरून पाहिले तर प्रत्येक ठिकाणी घाण झाला असं आढळणार असतं। संबंधित जो कंत्राटदार आहे त्याला फोन केला तर तो सरळ म्हणतो की आम्ही रोज रस्ते साफ करणे किंवा झाडू मारणे ते आमच्या ठेक्यामध्ये नाही आहे। नाल्या 15 दिवसात किंवा महिन्यात साफ करणे हे आमच्यात नाही आहे। नगर पंचायतीने लावून ठेवलेले जे कचरापेट्या आहे स्टीलच्या ते महिनो भिंतीपासून तसेच पडून आहे, ते साफ करायला कोणी तयार नाही आहे। त्याच्यातला कचरा सडून गेला आहे, दुर्गंध सगळी त्याच्यामुळे सगळीकडे पसरत आहे। BCN न्यूज के लिए कुही से संजय अतकरे की रिपोर्ट।